बारह जनपद बंगले खाली होने के बाद चिराग पासवान ने जिस प्रकार से नाराजगी प्रकट की थी, अब उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी चिराग का साथ दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर साफ तौर पे लिखा है कि ताउम्र वंचितों के हितैषी रहे और पैरोकार रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का दिल्ली आवास खाली कराई गई। केंद्र सरकार की टीम ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति व पद्मभूषण पासवान जी की तस्वीर को अपमानजनक तरीके से सड़क पर फेंक दिया। संविधान और दलित वर्ग का अपमान करने का कुकृत्य किया गया है। ये बात तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है और साफ तौर पे संविधान बाबा साहेब और रामविलास पासवान को अपमान करने की बात जो है वो केंद्र सरकार द्वारा कही गई है। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने एक गंभीर आरोप जो है वो लगाई है। जिस तरीके से जो 12 जनपद बंगला खाली कराया गया और अचानक, चूंकि चिराग पासवान ने भी कहा कि मुझे लिखित जो है जानकारी नहीं दी गई थी, अगर मिलता तो जरूर हम पहले ही अपना जो बंगला जो है वो खाली कर देते, क्योंकि वो मुझे पूरे जिंदगी के लिए नहीं मिला था। लेकिन तेजस्वी ने जो ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी और मजबूरी जो रखा है, चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पास कोई दिल्ली में कोई विकल्प नहीं है, बावजूद हम उस बंगले को खाली किए। और चिराग पासवान कई महत्वपूर्ण बातें, चाहे अपने पिता की तस्वीर को बाहर फेंक देने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को, जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा पुलिस बल द्वारा बाहर फेंक दिया गया, उसको लेकर नाराजगी जरूर प्रकट किया था। चिराग पासवान ने काफी ज्यादा नाराज थे। अब उस नाराजगी पर उस पे मलहम जो है वो तेजस्वी यादव ने लगाया है और कहीं ना कहीं ट्वीट से तेजस्वी जो है वो चिराग पासवान के साथ खड़े दिखे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से उस ट्वीट में लिखे हैं कि जो अपमान किया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और बेटे चिराग पासवान की बात की जाए तो लगातार आज भी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने केंद्र हो या राज्य हो तमाम सरकारों पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पे अपने चाचा को कटघरे में खड़ा किया कि जिस सरकार जो है वो रामविलास पासवान को बेइज्जत करने का काम कर रही है, आप उस सरकार में मंत्री हैं। और तेजस्वी यादव का यह ट्वीट कई सवाल जरूर खड़ा करते हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ इस मुद्दे पर सामने आए हैं, जहां लगातार चिराग पासवान अपनी बात कहते रहे हैं, नाराजगी प्रकट किए करते रहे हैं। वैसे में तेजस्वी यादव का ट्वीट काफी कुछ मायने रखता है। अब देखने वाली बात हुई कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में इस मुद्दों को लेकर क्या कुछ समीकरण बनता है, क्योंकि तमाम जो दलितों की राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस मुद्दे पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको इतना ही, देख लें बिहार। नमस्कार।